ओम नमः शिवाय। आज मैं बात करने वाली हूँ चावल, चावल यानी अक्षत के बारे में। चावल के यूज से हम कैसे अपनी लाइफ की अनेक छोटी बड़ी समस्याओं को दूर भगा सकते हैं। चावल का यूज हम हर पूजा में करते ही हैं। चावल के बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं की जाती है। अगर आपके घर में कोई भी पूजा आप करवाते हैं, उसमें हम चावल का यूज हमेशा करते ही हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि चावल का यूज करके हम कैसे अनेक प्रकार की समस्याएं कई बार छोटी होती हैं, कई बार बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, हम कैसे उन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि जो भी मैं वीडियो में बताती हूँ, आप उसे प्लीज पूरा वीडियो सुना करो, क्योंकि अगर पूरा वीडियो सुनते हैं तभी आपको सारे उपाय क्लियर समझ में आते हैं। और उपाय जरूर करके देखना, क्योंकि उपाय करते हैं तभी असर करते हैं, सिर्फ सुनने से उपाय कभी भी असर नहीं करते। अब मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले उपाय के बारे में। जो सबसे पहला उपाय है वो है दुर्भाग्य से छुटकारा पाने के लिए। अगर आपको लगता है कि दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, यानी कि आप अपने सौभाग्य को लाना चाहते हैं, आप अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं, सबसे पहला उपाय है दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाने के लिए। अगर आपको लगता है कि दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, आप दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, आप सौभाग्य को लाना चाहते हैं, आप अपनी किस्मत चमकाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप ये उपाय आपने संडे से शुरू करना है। संडे से शुरू करके आप इस उपाय को लगातार रोज कीजिए, आपकी किस्मत चमक जाएगी। वो उपाय क्या है? आपने एक तांबे का लोटा लेना है, उसको आपने जल से भर लेना है, उसमें थोड़े से चावल डालने हैं, थोड़ी सी रोली डालनी है और थोड़ी सी हल्दी डालनी है। फिर इस जल को आपने सूर्य देवता को चढ़ाना है, यानी कि सूर्य देवता को रोज अर्घ देना है। अगर आप रोज नियमित रूप से इस उपाय को करते रहते हैं तो यकीन माने आपका दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ देगा, आपकी किस्मत में चमत्कार, आपकी लाइफ में चमत्कार हो जाएगा, आपकी किस्मत संवर जाएगी। ये उपाय इतना अच्छा है, आप इस उपाय को लगातार करना शुरू कर दीजिए और फिर देखिए कि आपकी किस्मत कैसे पलटती है, दुर्भाग्य आपका कैसे पीछा छोड़ता है, कैसे आपकी लाइफ में सौभाग्य आता है। अब मैं बात करती हूँ दूसरे उपाय के बारे में। दूसरा उपाय है दरिद्रता को भगाने के लिए, यानी कि गरीबी को भगाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ से दरिद्रता, जो ये शब्द है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए, यानी कि गरीबी भाग जाए, आप गरीबी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इसके लिए ये उपाय आपने हर मंडे को करना है। लगातार 5 सोमवार आप इस उपाय को कीजिए। आप मंडे वाले दिन शिव मंदिर में जाइए, आप साथ में 1 किलो चावल लेके जाइए और उस चावल में से आपने 3 मुट्ठी चावल भरना है। यानी कि पहले 1 मुट्ठी चावल भरा, उसे आपने शिवलिंग पे चढ़ाया, फिर आपने 2 मुट्ठी चावल भरा, फिर उसको शिवलिंग पे चढ़ाया, इसी तरह आपने 3 मुट्ठी चावल भरकर उसको शिवलिंग पे चढ़ाना है। अगर आप लगातार इस उपाय को 5 सोमवार कर लेते हैं तो यकीन मानो कि जो गरीबी है वो आपकी ज़िंदगी से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, गरीबी आपकी लाइफ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। गरीबी को भगाने के लिए ये बहुत अच्छा उपाय है। अब मैं बात करने वाली हूँ तीसरे उपाय के बारे में। तीसरा उपाय जुड़ा हुआ है नौकरी से। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही या नौकरी मिल रही है, आप उसमें अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है, वहाँ आपको बॉस परेशान कर रहा है, या नौकरी की जो सैलरी है वो अच्छी नहीं है, आप सैलरी बढ़ाना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, यानी कि जॉब से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है, इस उपाय को करने से आपकी वो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इसके लिए आपने रोज थोड़े से मीठे चावल कौवों को खिलाने हैं। अगर आप इस उपाय को लगातार 40 डेज कर लेते हैं तो आपकी जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट उपाय के बारे में। नेक्स्ट उपाय है माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, माता लक्ष्मी की स्थायी निवास के लिए। इस उपाय को आपने हर फ्राइडे को करना है। एवरी फ्राइडे आपने क्या करना है, आपने खीर बनानी है और उसे माता लक्ष्मी को आपने भोग लगाना है। इस उपाय को आपने सुबह के टाइम करना है। शुक्रवार वाले दिन आप सुबह के टाइम खीर बनाइए और सबसे पहले माता लक्ष्मी के सामने देसी घी का दिया जलाइए,
फिर उन्हें जो आप पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करने के बाद उन्हें खीर का भोग लगाइए और फिर वो जो खीर है अपने जो फैमिली के सभी मेंबर्स को खिलाइए और खुद भी खाइए, क्योंकि माता लक्ष्मी को खीर, जो सफ़ेद चीज़ें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा पसंद हैं। अगर आप ये उपाय लगातार करते रहते हैं, माता लक्ष्मी को हर शुक्रवार को खीर का भोग लगाते हैं, तो मैं आपसे दावा करती हूँ कि आपकी लाइफ से गरीबी हमेशा के लिए दूर भाग जाएगी। नेक्स्ट उपाय है मैरिज का। अगर आपकी मैरिज की एज हो गई है लेकिन आपकी मैरिज नहीं हो पा रही है, कहीं पर भी रिश्ता नहीं जच रहा है, कहीं पर भी बात नहीं बन पा रही है, तो इसके लिए, इस उपाय को लड़का लड़की दोनों ही कर सकते हैं। इसके लिए आपने हर मंडे को शिव मंदिर में जाकर आपने शिवलिंग पे 7 दाने चावल के चढ़ाने हैं। अगर आप लगातार 11 सोमवार इस उपाय को करते हैं तो 11 सोमवार के अंदर ही आपकी जो मैरिज है वो फिक्स हो जाएगी, कहीं ना कहीं बात बन ही जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट उपाय के बारे में। नेक्स्ट उपाय है माता लक्ष्मी की कृपा पाने का, यानी कि अपनी तिजोरी को पैसे से भरने का। इसके लिए सबसे सिंपल सा उपाय बताने जा रही हूँ। ये उपाय आपने फ्राइडे वाले दिन करना है। फ्राइडे वाले दिन माता लक्ष्मी के सामने आप थोड़े से चावल रखिए। आप लाल कपड़े में थोड़े से चावल माता लक्ष्मी के सामने पूजा के टाइम रखिए, आप पूजा कीजिए। शुक्रवार वाले दिन वो जैसे वो चावल माता लक्ष्मी के सामने पड़े रहें, नेक्स्ट डे आपने वो चावल लाल कपड़े में बांधकर आपने अपनी तिजोरी में रख देने हैं। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी जो तिजोरी है हमेशा पैसों से भरी रहेगी, उसमें कभी भी पैसों की कोई कमी नहीं आएगी। आप इस उपाय को ज़रूर करके देखना। मैंने जो आपको चावल के ये उपाय बताए हैं, ये उपाय बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी जैसे समस्या है, आप इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे उपाय कर देख सकते हैं। उपाय सभी बहुत रामबाण उपाय हैं। ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये मेरे छोटे छोटे उपाय अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी वीडियोस सबसे पहले मिलें। ओम नमः शिवाय।